नमस्कार, मैं ममता ममता के किचन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बनाने जा रही हूँ इंस्टेंट अदरक हरी मिर्च और नींबू का अचार। बहुत ही तीखा चटपटा यह अचार बनकर तैयार होता है। जैसा कि आप जानते हैं, अदरक जो है हमारे हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो इंस्टेंट अचार है तो ये 2 से 3 दिन के लिए आप इसको बनाकर रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये अचार बनता है। तो चलिए सबसे पहले हम इस अचार को बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है और इसके अंदर मैं हरी मिर्ची डाल दूंगी। तो इस तरह से मैंने हरी मिर्ची को काट लिया है। इसी के साथ मैंने अदरक लिया है, तो अदरक को भी मैंने बिल्कुल बारीक नहीं काटा है, थोड़ा सा मोटा मोटा काटा है। तो ये भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। अब मैं इसके अंदर डालूंगी काला नमक। तो आधा चम्मच से भी कम मैं काले नमक का इस्तेमाल करूंगी। इसी के साथ मैं इसके अंदर लाल मिर्ची डालूंगी। तो बहुत कम डालूंगी मैं लाल मिर्ची, क्योंकि हरी मिर्ची भी तीखी होती है और मैंने बारीक मिर्चों का इस्तेमाल किया है। तो इसी के साथ इसमें डाल दूंगी सफ़ेद नमक। तो आइडिया से मैं नमक डाल रही हूँ, आप अपने स्वाद के हिसाब से कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, क्योंकि मैंने काला नमक भी इसके अंदर डाला है। तो खट्टा जो है, खटाई से हमारा नमक में थोड़ा सा कम हो जाता है, तो इसलिए आप नमक अपने हिसाब से ही डालेंगे। इसी के साथ मैंने लिया है नींबू का रस। तो 4 नींबू का रस है जो मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और अब मैं इसको अच्छे से मिला लूंगी। तो सारे सामान को मैंने अच्छे से मिला लिया है। अभी अदरक का रंग चेंज नहीं हुआ है, 10 से 15 मिनट के बाद मैं आपको इसको दिखाऊंगी। तो अदरक का रंग जो है नींबू और नमक की वजह से चेंज होना शुरू हो जाएगा। 5 से 7 मिनट इसको रखने के बाद अदरक का जो कलर है वो हल्का सा लाल होना शुरू हो गया है। तो नींबू जो है इसके अंदर रचने लग गया है। बहुत ही बढ़िया टेस्टी अचार ये बनकर तैयार होता है। तो हमारा इंस्टेंट अदरक हरी मिर्च और नींबू का अचार बनकर तैयार हो गया है। आप इसको थोड़ा थोड़ा करके ही बनाएंगे, इतना बनाएंगे जितना आप 3 से 4 दिन ले सकें, क्योंकि इसके अंदर हरी मिर्ची है, अदरक है, और अदरक आजकल पानी वाला आ रहा है, जिससे अदरक हमारा जो है वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो आप इसको इंस्टेंट बनाने के लिए 2 से 3 दिन का बनाएंगे, और उसके बाद आप इसको जब ख़त्म हो जाएगा तो दोबारा बना लेंगे। बहुत ही बढ़िया टेस्टी अचार ये बनकर तैयार होता है। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आएगा। तो अगर आपको मेरा बनाया अदरक हरी मिर्च और नींबू का अचार पसंद आया है, मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। फर्स्ट टाइम अगर आप चैनल पर आ रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ आपको बहुत जल्दी एक नई डिश के साथ। नमस्कार।